तो है गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है और एक न्यू वीडियो पे। तो आज का वीडियो में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आप लोग कैसे अपना आईफोन वाला कंट्रोल सेंटर लगा सकते हैं। कुछ भी फ़ोन है आप लोग का, ओप्पो, वीवो, रेडमी का, रियलमी, कुछ भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, कुछ भी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन हो, आप लोग इस तरह से कुछ कंट्रोल सेंटर लगा सकते हैं मस्त टाइप से। तो आप लोग को भी इस टाइप से कंट्रोल सेंटर लगाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो चलिए बताते हैं। तो चलिए अपना अपना इंटरनेट ऑन कर लीजिएगा, यहाँ पर अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आप लोग सिंपली से आप लोग इंस्टॉल करके सिंपली से आप लोग इस टाइप से कुछ आईफोन वाला लुक दे सकते हैं अपना कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर को आप लोग ये सोलर नोटिफिकेशन बार को आप लोग मस्त टाइप से मतलब आईफोन वाला कुछ लुक दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सर्च बार में आ जाने के बाद, प्ले स्टोर में घुस जाने के बाद में, यहाँ पर सर्च बार में आने के बाद में यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा आई कंट्रोल सेंटर, आई सेंटर iOS 15 सर्च कर लो। आई सेंटर iOS 15 सर्च कर लीजिएगा यहाँ पर। तो इसे सिंपली से आप लोग सर्च कर लीजिएगा। आप लोग को वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी सर्च कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग का कुछ आ जाएगा ऐप। तो यहां पर आ गया है, हम लोग का देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला है हम लोग का आई सेंटर OS 16 कंट्रोल सेंटर। तो इसे आप लोग क्लिक करके सिंपली से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया ही है, आप लोग को आईफोन वाला लुक देगा। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं बाइक कर लेता हूँ। इसे ओपन कर लीजिएगा सिंपली से आप लोग भी। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर बाइक आ चुके हैं। तो बाइक आ जाने के बाद में हम लोग का ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप लोग भी वहाँ से ओपन कर लीजिएगा, नहीं तो इंस्टॉल आके करके आप लोग होम स्क्रीन से ओपन कर दीजिएगा। कुछ इस टाइप से हम लोग भी ओपन कर चुके हैं, तो ओपन करते हैं, उसके बाद में थोड़ा वेट करते हैं हम लोग का ओपन हो रहा है आई सेंटर iOS 15। तो यहाँ पर हम लोग का ओपन हो चुका है, यहाँ पर अलाउ दे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलाउ दे देने के बाद में हम लोग को फर्स्ट में ही इस ऐप को सेटिंग करना पड़ेगा, कुछ कुछ सेटिंग। तो फर्स्ट में ही ये वाला को सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में आगे का बताते हैं आप लोग को। सेटिंग हम लोग का ये है कि यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा यहाँ पर नोटिफिकेशन एक्सेस का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर आई सेंटर एंड आई नोटी iOS 16 को आप लोग यहाँ पर इनेबल कर दीजिएगा। यहाँ पर डिसेबल है, तो इनेबल करके यहाँ पर आप लोग को डेंजर वाला कुछ आ जाएगा। तो आप लोग सिंपली से 65 सेकेंड वेट करके आप लोग यहाँ पर ओके कर लीजिएगा, फिर वहाँ से बाइक आ जाइएगा। तो हम लोग ओके कर लेते हैं, बाइक आ जाते हैं। फिर से हम लोग को सेकेंड सेटिंग पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकेंड सेटिंग कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर इनेबल कर देना है, अलाउ डिस्प्ले ओवर, यहाँ पर लास्ट रेटिंग कर लेते हैं और हम लोग का हो जाएगा कुछ उस टाइप से। हम लोग का नोटिफिकेशन सेंटर, कंट्रोल सेंटर हम लोग का आईफोन वाला हो जाएगा। तो हम लोग को लास्ट सेटिंग में आ जाने के बाद में हम लोग को यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। तो हम लोग को सिंपली से यहाँ पर डाउनलोडेड सर्विस पर जाना पड़ेगा लास्ट वाला में, और यहाँ पर जाने के बाद में सिंपली से क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा आई सेंटर एंड आई नोटिव iOS 16 पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑफ दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और फिर से हम लोग को इसे आप लोग अलाउ दे दीजिएगा, इनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर अलाउ दे दीजिएगा, उसके बाद में बाइक आ जाइएगा। बाइक आ जाने के बाद में हम लोग का सेटिंग सब कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं हम लोग का कुछ अभी इस वाला कंट्रोल सेंटर हो गया है। तो आप लोग इस वाला करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे सेट कर सकते हैं। हम लोग अभी हम लोग का इस टाइप से कुछ हो गया है। तो आप लोग कुछ टाइप से भी रखना चाहते हैं, इस टाइप से भी रखना चाहते हैं, तो आप लोग का हो सकता है। ये रेडमी वाला है, MI वाला नोटिफिकेशन है, ये आईफोन वाला है। तो ये आईफोन वाला रखना चाहते हैं तो आईफोन iOS 15 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग को MI कंट्रोल सेंटर दिखाई दे रहा है। तो आप लोग किस टाइप से रखना चाहते हैं उसी टाइप से आप लोग रख सकते हैं। वहाँ से हम लोग बाइक आ गए हैं, तो हम लोग का नोटिफिकेशन सेंटर बदल चुका है। आप लोग वहां से आईफोन वाला सेटिंग कर सकते हैं, इस वाला को भी सेटिंग कर सकते हैं। आप लोग कॉमन है जिस टाइप से, उसी टाइप से आप लोग सेटिंग कर लीजिएगा। तो हम लोग का देख सकते हैं हम लोग का सेटिंग कंप्लीट हो चुका है, और
हम लोग का आईफोन वाला भी सेटिंग हो चुका है। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, लगे हाथ से चैनल को भी सब्सक्राइब करें।